Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. We are in another temple right now. यहाँ से घुसना है. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh. तो गाइज़ अभी हम आए हैं जगन्नाथ टेम्पल. यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है. सिर्फ डेट अवेलेबल होना चाहिए, है ना मम्मा. बहुत ज़्यादा सुंदर, खुला खुला, बहुत पीस लगता है ये जगह. मेरे एक फ्रेंड का भी हुआ था अभी रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर. तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंगेजमेंट फिक्स करने का. लेट्स सी. यस, फाइनली हमने बुकिंग कर लिया है अपने ये टेम्पल का. जो मैं चाहती थी वो फाइनली मिल गया. कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ. एंड हमने बुकिंग अमाउंट भी दे दिया है. सो आई एम सुपर हैप्पी नाउ. अच्छा मंदिर है ना, बहुत सुंदर है. बहुत स्पेस भी है और पूरा ग्रीनरी है. वही अच्छा लग रहा है. हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आपने जैसे देखा, हम फाइनलाइज करने गए थे आज वेन्यू, एंगेजमेंट का वेन्यू. मैंने शुरू नहीं किया था ये व्लॉग, सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट दिस व्लॉग एंड गिव यू सम अपडेट. एंड यस, दिस माइट बी द फर्स्ट वीडियो वेर आई एम शेयरिंग इट ऑफिशियली कि आई एम गेटिंग एंगेज्ड. ओके, सो सैटरडे इट्स अबाउट 8:30 राइट नाउ. इट इज 17th ऑफ सेप्टेम्बर एंड नवम्बर को मेरा एंगेजमेंट है. एक्चुअली बहुत दिनों से ये प्रोसेस चालू था, लेकिन शादी का डेट तो निकल चुका है, लेकिन एंगेजमेंट का डेट निकला नहीं था. एंड फाइनली कल फाइनलाइज हुआ है डेट. एंड आज हम फटाफट से बुकिंग करने चले गए. एक दो मंदिर देखा हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे तो नहीं, लेकिन मेरे फियांसे के यहाँ पे मंदिर में किया जाता है एंगेजमेंट सेरेमनी, या फिर ऐसे रिंग सेरेमनी एंड ऑल आप कर सकते हो कहीं और पे, हॉल पे या मंडप पे या कोई होटल पे. बट वी वॉन्टेड वेरी लो की एंगेजमेंट सेरेमनी, तो इसलिए हमने मंदिर चूज किया. वॉट बेटर प्लेस दैन अ मंदिर विच इज़ वेरी पीसफुल, राइट. एंगेजमेंट का डेट काफ़ी रैंडम एंड लास्ट मिनट डिसाइड हुआ है, एज ए मैंशन. एंड ऑल्सो माई शॉपिंग एंड एवरी थिंग इज लाइक अंडर प्रोसेस. मैंने एंगेजमेंट के लिए कुछ भी सोचा नहीं है अभी तक. आई हैव टू कॉल माई मेकअप आर्टिस्ट, देन ऑल्सो लाइक फोटोग्राफर. उनको मैंने बुकिंग कर लिया है फोटोग्राफी का, लेकिन आई हैव टू टेल दैम कि एंगेजमेंट इस डेट पर है. उनको कुछ नहीं पता, सो आई विल अपडेट दैम राइट नाउ. आई डोंट नो वेन आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस पोस्ट एंगेजमेंट या प्री एंगेजमेंट, मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है. फाइनली बुक द वेन्यू, दैट पार्ट इज डन, दैट इज द मेजर पार्ट, बिकॉज वो इजीली ऐसे बुक हो जाता है. नवंबर 25 इज द डेट. मुझे तो लग रहा था दिसंबर में है, तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, बट अभी मुझे फील हो रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए सैटरडे संडे ही मुझे मिलता है कुछ भी प्रिपरेशन करने के लिए. आई एम गोना कैच यू व्हेन आई डू सम एंगेजमेंट प्रिपरेशन. तो ये वीडियो डेडिकेटेड टू एंगेजमेंट प्रिपरेशन ही होने वाला है. या आई विल कैच यू गाइस लेटर. द नेक्स्ट डे. सो गाइस, इट इज द नेक्स्ट डे. फर्स्ट इज फोटोग्राफर से मुझे कॉन्टेक्ट करना था, सेकेंड इज मेकअप आर्टिस्ट मुझे फिक्स करना था. फोटोग्राफी के लिए ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया था एंड हमने बुकिंग भी कर लिया है. वो पैकेज वाला डील ही दिया था कि प्री वेडिंग, एंगेजमेंट, देन क्या वेडिंग रिसेप्शन, सारा बॉयज के साइड पे, ग्रूम के साइड से एंड ब्राइड के साइड से सब कुछ मिला के ही गेव अस अ पैकेज. एंड उस पैकेज में एंगेजमेंट ऑफकोर्स एडेड था. सो हमने डेट नहीं बताया था बिकॉज डेट फाइनली नहीं हो रहा था. वेडिंग का डेट बहुत आगे से हो गया था, लेकिन एंगेजमेंट का फाइनल नहीं हुआ था. कल मैंने उसको कन्फर्म करने के लिए फोन किया कि मैंने उसको दिसंबर एंड बोला था, बट आई थिंक कुछ भी दिसंबर 14 के बाद से जनवरी तक कुछ डेट नहीं है, उसमें कोई भी शादी नहीं होती है या कोई भी अच्छा काम नहीं होता, तो वो आ गया था, इसीलिए दिसंबर एंड में नहीं हुआ. वी रियली वांटेड कि क्रिसमस के अराउंड हो, तो वो अच्छा न्यू वाइब्स आता है ना, वो हो, लेकिन वो नहीं हो पाया. आवर एंगेजमेंट गॉट प्रीपोन टू नवंबर, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था. मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, अभी लग रहा है कि इतनी जल्दी हो रही है. कॉल करा उसको एंड ही सेड कि एक एंगेजमेंट उस दिन है उसका, बट एनीवे ही हैज टू डू हिज जॉब, तो वो करेगा जैसे भी मैनेज, उनके टीम डिवाइड्स कर देंगे या कुछ भी, तो ऐसा. सेकंड इज मेकअप आर्टिस्ट. मैंने मेकअप आर्टिस्ट
डिसाइड कर लिया था अपने माइंड में कि हाँ इसको मैं फाइनल करने वाली हूँ. सो अनदर फैक्टर व्हेन इट कम्स टू मेकअप आर्टिस्ट, आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ एलियन. और यू नो जो पूरा पेंट कर देते हैं अपने फेस को, मुझे वैसा नहीं दिखना था. आई डोंट वांट टू लुक लाइक एनीबडी एल्स इन माय वेडिंग एंड उसके बाद रिमूव करो तो कोई और ही दिख रही हूँ, ऐसा नहीं चाहती थी. आई वांट अ वेरी नेचुरल मेकअप एंड आई वांट अ वेरी मिनिमल ब्राइडल मेकअप. मेरा वेडिंग का भी वही थॉट है, रिसेप्शन का भी. मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती अपने बिग डे पे. आई रियली लाइक्ड आलिया भट्ट मेकअप, तो वो नेचुरल लुक जो था ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. हमेशा मुझे नेचुरल ही पसंद है एंड आई रियली वॉन्टेड कि कोई ऐसा बंदा मिले मुझे जो ज़्यादा ओवर द टॉप एक्सपेरिमेंट नहीं करती, ओवर द टॉप नहीं लगता जिसमें, एंड वो क्लासी लगता है, यू नो. एनीवेज दैट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस एंड पर्सनल चॉइस. आई एम जस्ट शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट्स दैट. इफ यू लाइक ओवर द टॉप ऑन योर वेडिंग्स, यू गो गर्ल, यू डू यू. आई पर्सनली डोंट एन्जॉय सच मेकअप, सो दैट्स द रीजन. तो मेरा क्लियर था कि आई वॉन्ट मिनिमल, आई वॉन्ट नेचुरल लुक. ओके, दैट्स इट. उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ फाइनलाइज कर लिया था. Where you can finalize all the makeup stuff, फिर photographers and all. Let me tell you, social media. Research on social media, you are going to get a lot of information from social media आजकल. Because पहले जब 7 years पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. जब दीदी का engagement हुआ था, I remember we went to parlors and उनको हमने contact करने की कोशिश की. My दीदी got her engagement makeup from Naturals, I guess. हाँ, Naturals, Green Trends, Lakme Salon, ये सब हमने contact किया था and उसने finally Natural सलोन से किया था. तो वो सब था. तब सोशल मीडिया का इतना प्रेजेंस था ही नहीं कि तुम डिसाइड करो, तुम रिसर्च कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि कौन कैसा मेकअप कर रहा है. सो ऐसा कुछ भी नहीं था. बट आज यू कैन डू योर ओन रिसर्च ऑन सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम हैज बिकम अ बिजनेस प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू गेट मेकअप आर्टिस्ट, यू गेट मेहंदी आर्टिस्ट, यू गेट योर फोटोग्राफर्स, यू कैन रिसर्च एंड यू कैन गेट ऑन योर ओन. तो इंस्टाग्राम से ही मुझे अपने फोटोग्राफर का कॉन्टैक्ट मिला, इंस्टाग्राम से ही मुझे अपना मेकअप आर्टिस्ट का भी कॉन्टैक्ट मिला. तो 3-4 प्रोफाइल्स मुझे अच्छा लग रहा था उनका मेकअप देख के, मुझे उनका प्रोफाइल अच्छा लगा. सो आई शॉर्टलिस्टेड, आई मैसेज देम, आई कॉल्ड देम एंड रेट्स पूछा. वो भी एक पैकेज बना के देते हैं, वो भी ऐसे एंगेजमेंट का अलग, संगीत का अलग, रिसेप्शन, ब्राइडल, वो सब अलग अलग पैकेज देते हैं. जिन जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, मैंने सबको कॉल करके पूछा. ये बहुत पहले की बात है, ये एंगेजमेंट की वक्त की बात नहीं है. मैंने बहुत पहले ही रिसर्च कर लिया था एंड आई कॉल्ड देम बहुत पहले ही, लाइक 2-3 months ago. I didn't want to experiment a lot. So, इसलिए मैंने एक पर्सन को ही चूज किया, वो मेरा सारा काम करेंगे, लाइक वेडिंग, रिसेप्शन, एंगेजमेंट, सब कुछ. ठीक है, ऐसा मुझे चाहिए था. एंड लकीली कल मैंने उसको कॉल किया एंगेजमेंट के बारे में पूछने के लिए एंड सब कुछ मैं बुक कर दूंगी फाइनली, वही सोच के मैंने कॉल किया. एंड शी वॉज लाइक, नहीं, तुम्हारे डेट पे ऑलरेडी किसने बुक कर लिया है. एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, वॉट शुड आई डू नाउ. बट फिर पता चला कि उनका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है, सो दैट्स फाइन. मॉर्निंग, इवनिंग, वो सब अलग है. एंड मैंने फाइनली मैंने सोचा कि और मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं करूंगी, आई विल फाइनलाइज दिस पर्सन. एंड आई फाइनल analyzed that. कल ही मैंने उनको एडवांस भी पेमेंट कर लिया है, वही मेरा मेकअप करेंगे एंगेजमेंट में भी. सो या, दैट्स डन. दीज थ्री वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी इवेंट. फर्स्ट इज वेन्यू, फोटोग्राफर एंड देन मेकअप आर्टिस्ट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेडिंग, एंगेजमेंट, एवरीथिंग, अगर वो नाम भी सुनते हैं लोग, पीपल चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यू. ओके, द चार्जेस आर हाई, डेफिनेटली charges are very very high. Mm-hmm. But you have to do. I don't know what would be my next thing for my engagement preparation, but jo bhi hoga I'll document it for you guys. Trees, 'cause it still feels like summer.